हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये अलमांडा की बेल है और गर्मियों में खिलने वाली सबसे सुंदर बेल में से एक है ये। और ये बड़ी आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाती है और ये आपको कई कलर्स में मिलेगी। ये मेरे हमारे पास येलो है, इसमें वाइट, मैरून, वायलेट, ब्लू और पिंक और वाइट कलर्स भी आते हैं। और ये आजकल हाइब्रिड में भी आने लगी है। एज सच ये तीन वेराइटी में होती है, हाइब्रिड, एक ड्वार्फ और एक टॉल वाली वेराइटी। तो ये हमारे पास जो है ये मीडियम वाली है, जिसमें देखिए आप मीडियम साइज़ के फ्लावर्स आए हुए हैं। जो इसकी बड़ी वाली वेराइटी होती है और जॉइंट वाली वेराइटी, उसमें काफ़ी बड़े फूल होते हैं, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर होता है ना, उस तरह के बड़े फूल आते हैं। सॉरी। तो ये आपको मैंने बताया। दूसरे ये गमले में भी लग जाती है और ज़मीन में तो बहुत ही बढ़िया चलती है ना। तो आप इसको खींच के ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर तक ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। और इसकी बेल को सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है कि इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं, नो मेंटेनेंस बेल है ये। बस इसमें आपको लगाने में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी हमेशा नमी बनी रहे। तो आप जब भी इसकी सॉइल बनाएंगे तो इसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने का तरीका तो ये है कि ये कटिंग से लग जाती है। बारिशों में इसकी कटिंग बहुत अच्छी लग जाती है। अभी तो इसके जो इसका फूल आने का टाइम होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। और विंटर्स में जहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं, बहुत तेज़ ठंड नहीं पड़ती जिन एरियाज़ में, वहाँ उसमें दिसंबर जनवरी में भी हल्के हल्के फूल आते रहते हैं। अदरवाइज़ इसमें मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो बहुत सारे फूल आते हैं। तो ये इसके फ्लावरिंग का टाइम हो गया। अब इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी। पॉट में अगर आप लगाएंगे तो इसकी वेल ड्रेन सॉइल लेंगे, ज़मीन में तो आप जहाँ लगा रहे हैं ये हर तरह की मिट्टी में चल जाती है। मिट्टी में बस नमी का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ज़मीन में भी लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आप कोकोपीट ज़रूर मिला लें। तो और गमले की पॉटिंग मिक्स तो आपको वेल ड्रेन सॉइल रखनी है, जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट उसमें कंपोस्ट और एक पार्ट उसमें सैंड रखेंगे। तो और 10% उसमें कोकोपीट मिला लें, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। दूसरे पॉट के नीचे आप एक प्लेट ज़रूर रखें। तो ये है कि उसमें प्लेट में हल्का फुल्का पानी रहेगा तो प्लांट को नमी बराबर मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी इसकी प्लेसिंग इस बेल को पूरे 4-5 घंटे की बहुत अच्छी धूप चाहिए। तो इसको ऐसी जगह पे रखें, आप चाहे बालकनी में, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप नेचुरली सनलाइट वाला स्पॉट देखकर ही लगाएंगे, लेकिन बालकनी में आप लगा रहे हैं तो भी आपको ऐसी जगह लगाएं जहाँ 5-6 घंटे की इसे फुल सनलाइट मिले। वाटरिंग में इसको आपको डेली वाटर करना चाहिए, और जितनी बार आप वाटरिंग करेंगे इसको प्लांट को अच्छे से स्प्रे कर दें, शावरिंग कर दें, तो इसकी पत्तियाँ खूब अच्छी चमकदार दिखती रहेंगी हमेशा। हमने तो ये अभी ख़रीदा है, करीब 1-1.5 महीना हुआ है, तो पॉट में लिया हुआ है, तो इसकी कुछ अभी शेप नहीं दे पाए हैं। अदरवाइज़ इसमें अच्छी ट्रेलिस बांध के और इसके पॉट में भी बहुत अच्छी इसकी शेप दी जा सकती है। अभी बारिश के दिनों का वेट कर रहे हैं कि तभी इस बेल को ज़रा इसकी प्रूनिंग व्रूनिंग करके अच्छे शेप में लाएंगे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट आती है फर्टिलाइज़र। तो इसमें फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार इसमें डालिए, पॉट में 12 इंच के गमले में 1 चम्मच फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चलेगा। इसको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, उसके लिए बॉर्न मील या बनाना पील का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहेगा। और आप ज़मीन में भी लगा रहे हैं तब भी आप उसे 1 महीने के में खाद ज़रूर दें, गोबर की खाद भी बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। बस खाद का आप ये ध्यान रखें, गोबर खाद का, कि वो अच्छे तरीके से सड़ी हुई हो, नहीं तो आप फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें, है ना। तो ये हो गया इसका फर्टिलाइज़र। और जो आपको मैंने बताया कि इसमें पेस्ट वगैरह ऐसे लगते नहीं है, है ना, तो आप जो रेगुलर बाकी प्लांट्स पे आप कर रहे हैं नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे, सेम इस पे कर दीजिए, तो आपका प्लांट खूब अच्छा चलता रहेगा। अक्टूबर तक ये तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, लेकिन जिन एरिया में अगर ठंड कम होती है वहाँ तो दिसंबर जनवरी में भी फ्लावरिंग उसकी होती है। लेकिन अगर आपके एरिया में बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे हमारे दिल्ली में तो एक्सट्रीम पे पड़ते हैं इसके दोनों मौसम, तो दिसंबर जनवरी में इसकी फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। डॉर्मेंसी के पीरियड में आप इसमें कोई खाद ना दें और पानी भी बहुत थोड़ा थोड़ा डालें, भर के पानी नहीं डालना है, ठीक है। और मार्च फरवरी में मौसम जब थोड़ा ठीक होने लगता है, मार्च में थोड़ी गर्माइश आने लगती है, तो उसमें उसके यहाँ से शूट्स निकलने लगते हैं सारे इन पे से,
और ये प्लांट वापस अपनी पुरानी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है। बाकी कटिंग से इसकी प्रोपेगेशन होती है, उसमें बारिशों के दिनों में होती है, तो जब रेनी सीज़न होगा तो मैं आपको इसकी प्रोपेगेशन बता दूंगी कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस थी और मेरी नॉलेज मैंने आपसे शेयर की। अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।